नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाइमिंग कैसा सेट करते हैं हीनो इंजन का। जैसे कि हमने दो वीडियो और बनाया था जिसमें हमने एक वीडियो में बताया था कि टाइमर गियर कैसा चेंज करते हैं, उसका टाइमिंग कैसा सेट करते हैं, और दूसरा हमने बताया था कि पंप कैसा फिटिंग करते हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं हीनो इंजन के पास, और आज हम इस हीनो इंजन का टाइमिंग मिलाएंगे सारे गियर का। तो टाइमिंग मिलाने के लिए क्रैंक को हमें टॉप में लाना होगा, तो कैसे चलिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ्लाईव्हील के मार्क पे जाना है और फ्लाईव्हील को घुमाकर 1/6 का मार्क ले लेना है, एकदम एक्यूरेट पोजिशन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं 1/6। ओके, उसके बाद में चलते हैं। ये देख सकते हैं, यह है क्रैंक गियर जो कि डैमेज हो गया था और हमने इसको पुलर बनाकर बाहर निकाला है, और हमने दूसरा गियर चेंज कर दिया है जिसमें कि कोई मार्क नहीं है, जिसमें हमने उस एक नंबर जिस जगह पे लिखा था उस जगह पे हमने मार्क कर दिया है वाइटनर से। और यह है आइडल गियर, इसका आइडल गियर भी डैमेज हो चुका था, तो हमने आइडल पुरानी वाली जो आइडल गियर है उसको हमने सेंटर में रख के सारा मार्क कर लिया है, जैसे कि 1, 2 और 3, जो कि आइडल गियर पर ये सारे मार्क होते हैं। अब हमें आइडल गियर फिटिंग करना है। तो दोस्तों, आइडल गियर फिटिंग करने से पहले आपको क्रैंक का 1 और आइडल गियर का 1, ये दोनों टीथ मैच होना चाहिए, और दूसरा आपका आयल पंप का 2 और अपना आइडल गियर का 2, वो दोनों टीथ मैच होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें आइडल गियर का लॉक पट्टी लगाना है, और उसके बाद में बोल्ट को अच्छे तरह से टाइट कर लेना है। आप आइडल गियर की बोल्ट में फेवी टाइट लगा कर भी टाइट कर सकते हैं, ताकि यह बार बार खुले ना। उसके बाद दोस्तों हमें पंप, जो टाइमर है, टाइमर में हमने पंप फिटिंग कर दिया था, जो कि हमने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम उस असेंबल को फिट करेंगे जिसका नाम है टाइमर गियर असेंबली। और हमने आइडल गियर में, जैसा कि आइडल गियर हमने जब फिटिंग किया था उस समय क्रैंक का 1 और आइडल गियर का 1, आयल पंप का 2 और आइडल गियर का 2, अब हमें आइडल गियर का 3 और पंप टाइमर का 3 मैच करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने 3 वाला जो पोर्शन है गेयर का, वो हमने तीत से तीत मैच कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं कि हमने टाइमिंग कवर क्यों खोला था और इसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो दरअसल दोस्तों, आइडल गेयर का जो बोल्ट है, बोल्ट टूट गया था, और टूटने की वजह से आइडल गेयर सारे गियरों के बीच में लूज़ हो गया था। लूज़ होने की वजह से क्रैंक का गियर, टाइमर गियर और ऑयल पंप का गियर, ये सारा कुछ डैमेज कर दिया था, उसके साथ आइडल गियर भी डैमेज हो गया था। चलिए, हमने सारे गियर के बारे में बता दिया है, अब चलते हैं कैम गियर के ऊपर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑयल पंप से एक नंबर जो मार्क दिख रहा है वह कैम के एक नंबर से मैच होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हमने सारा कुछ बता दिया, और ये है आपका टाइमर गियर जो कि 3 नंबर से मैच होना चाहिए, ठीक। तो इसी प्रकार आप हीनो इंजन का टाइमिंग मिला सकते हैं। क्रैंक गियर के ऊपर सिर्फ एक मार्क होता है, वो भी एक नंबर लिखा होता है। ऑयल पंप के ऊपर दो मार्क होता है जिसमें लिखा होता है 1 और 2। टाइमर गियर के ऊपर जो मार्क होता है वह होता है 1 नंबर और 3 नंबर, और कैमशाफ्ट गियर के ऊपर होता है सिर्फ एक नंबर, ठीक है। तो आप मार्क के बारे में तो सारा कुछ समझ गए,
ठीक है। अब इसके बाद में हमने सारा कुछ टाइमिंग सेट कर लिया है, उसके बाद हमें ये टाइमिंग प्लेट फिट करना है। और टाइमिंग प्लेट फिटिंग करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं हमने टाइमिंग प्लेट भी फिट कर दिया, थोड़ा वीडियो मिस कर दिया था यहाँ से हम लोगों ने। उसके बाद में टाइमिंग प्लेट के सारे बोल्टों को टाइट कर लेना है और सारे एसेसरीज लगा लेना है, जैसे कि वाटर पम्प, डंपर पुली, कंप्रेसर हेड, पम्प कैप। तो दोस्तों सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्रैंक का टाइमिंग मिलाया था, उसके बाद में आइडल गियर का, उसके बाद में ऑयल पंप का, कैमशाफ्ट का, और उसके बाद में पंप टाइमर का। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये है डंपर पुली जो कि अभी फिटिंग होने वाला है, और ये है ऑयल पंप और कंप्रेसर। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट दोस्तों।